कैलेंडर के अनुसार मासी अमावस्या के दिन उत्सव मनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। इस उत्सव को अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर भारत के पर्व शिवरात्रि के बाद तमिलनाडु की गलियों में ढोल गूंजने शुरू हो जाते हैं। इस उत्सव में लोग नाटकीय प्रस्तुति करते हैं और देवी को प्रस्तुत की जाने वाली खाद्य वस्तुएं लेकर निकलते हैं। योद्धाओं की यह टोली श्री अंगलामन और पावड़ रायन के साथ निकलते हैं। इनके साथ सेवक तलवारें लेकर चलते हैं जो मायना कोलाई की प्रस्तुति देते हैं। देवी कादुकल, जिन्हें कब्रिस्तान की देवी माना जाता है, उन्हें खाद्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। तंजौर तमिल विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्ति बताते हैं कि मायना कोलाई का उत्सव सभी योद्धा और उनके परिवार मनाते हैं। यह परंपरा तब से मनाई जा रही है जब सैनिक युद्ध के लिए जाते थे। इस उत्सव पर देवी से प्रार्थना की जाती है कि जो भी नुकसान युद्ध के दौरान हुआ है उसकी भरपाई जल्द ही हो जाए। देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग अर्पित करते हैं। आज के समय योद्धा जंग के लिए नहीं जाते हैं तो इस उत्सव में युद्ध की नाटकीय प्रस्तुति की जाती है। मायना कोलाई के उत्सव में एक व्यक्ति अंगलामन के रूप में और उन्हीं के साथ एक व्यक्ति भगवान शिव या हनुमान के रूप में होता है। यह सभी छोटी परेड लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। वहां मायना सूरन की तस्वीर मिट्टी, राख और हड्डियों से बनी हुई होती है। सूरन की तस्वीर बनाने के लिए लोग इच्छा अनुसार सामग्री का प्रयोग करते हैं। अधिकतर अंगलामन बकरी, मुर्गा या सुअर होता है। सूरन के पूजन के दौरान सुरई शब्द को 3 बार बोला जाता है। कई लोगों की मान्यता है कि अंगलामन और देवी काली एक ही है। देवी काली को अम्मा काली भी कहा जाता है। इस कारण से इस पर्व में हड्डियां, खून, मांस आदि का प्रयोग किया जाता है। मायना कोलाई को कई तरीकों से मनाया जाता है।